आज जब राफेल भारत आ गया है तब इससे जुड़े कुछ सवाल हैं, जो विरोध और समर्थन की आपाधापी में बिना जवाब के ही रह गए। इस वीडियो में हम उन्हें जानने वाले हैं। सबसे विवादित सवाल क्या है, राफेल डील की फाइल चोरी होने की कहानी जिस पर खूब हंगामा हुआ था। राफेल डील की कोई फाइल गायब नहीं हुई है, बल्कि वो डॉक्यूमेंट जिसकी फोटोकॉपी को क्रॉप करके कुछ दिन पहले द हिंदू ने ब्लॉग छापा था और फिर राहुल गांधी ने हंगामा किया था, वो दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री में से किसी ने चुरा कर फोटोकॉपी करके उन्हें उपलब्ध कराया था। हालांकि उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि मोदी सरकार राफेल डील पर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हो रही प्रोसीडिंग्स पर नजर रखे हुए थी। अब थोड़ी जानकारी वाली बातें जो इस मुद्दे को पूरी तरह समझने में आपकी मदद करेंगी। क्या है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील? अक्सर कोई भी देश किसी दूसरे देश से जब कोई रक्षा क्षेत्र में सौदा करता है तो दूसरा देश सिर्फ अनुमति देता है और फिर डील उस डिफेंस कंपनी के साथ होती है। डिफेंस डील में हमेशा से बिचौलियों और डीलर्स का रोल रहा है। ज्ञात हो कि राफेल डील में कोई बिचौलिया या डीलर नहीं है। ये डील डायरेक्ट इंडिया की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच हुई है, मतलब ट्रेजरी से पैसा सीधे फ्रांस सरकार की ट्रेजरी में जाएगा। अगला सवाल, क्या होता है अवेलेबिलिटी रेट? जब कोई देश लड़ाकू जहाज खरीदता है तो उसमें एक सबसे जरूरी फैक्टर होता है अवेलेबिलिटी रेट का। भारत अभी तक सिर्फ 45% अवेलेबिलिटी रेट पर लड़ाकू जहाजों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता रहा है। 45% अवेलेबिलिटी रेट का अर्थ ये है कि यदि 100 लड़ाकू जहाज खरीदे गए तो उनमें से सिर्फ 45 जेट्स ही युद्ध के समय उपलब्ध अथवा तैयार होने की गारंटी है। राफेल डील में अवेलेबिलिटी रेट 75% है। इसके लिए 300 मिलियन यूरो अतिरिक्त खर्च किए गए। अगला सवाल, वेपन पैकेज क्या होता है? दरअसल फाइटर जेट्स की खरीद में अक्सर हथियारों को शामिल नहीं किया जाता। अभी तक हथियार बाद में अलग से खरीदे जाते रहे, जबकि राफेल डील में भारत ने पूरा वेपन पैकेज लिया है। MTCR का मेंबर होने के चलते 560 किलोमीटर दूरी तक प्रहार करने वाली स्कल्प मिसाइल खरीदी है। इसके अलावा 150 किलोमीटर तक हवा से हवा में प्रहार करने वाली मिटियोर मिसाइल भी खरीदी गई है। 36 राफेल जहाजों में जितने भी मिसाइल, बॉम्ब्स या रॉकेट्स लगेंगे वो भी इस डील के साथ खरीदे गए। इसके अलावा फ्रांस इन हथियारों के लिए स्टोरेज फैसिलिटी भी बना कर देगा। अगला सवाल, राफेल डील में इंडिया स्पेसिफिक चेंज की बहुत बात हुई है, ये इंडिया स्पेसिफिक चेंज क्या है? ये जरूरी फैक्टर है जिसके बारे में सुरक्षा और गोपनीयता के कारण ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने राफेल लड़ाकू जेट्स में कुछ बदलाव करवाए और कुछ अतिरिक्त इक्विपमेंट्स को शामिल किया है, जिसमें हेलमेट साइट्स, रडार रिसीवर, रेडियो अल्टीमीटर, डोपर रडार, कोल्ड स्टार जैसी बहुत सारी चीजें शामिल हैं और इनसे राफेल की मारक क्षमता में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, जिनके लिए 1.7 बिलियन यूरो अतिरिक्त खर्च किए गए। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या 126 के बदले सिर्फ 36 जहाज खरीदे मोदी सरकार ने? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 36 लड़ाकू जहाज तो डायरेक्ट खरीदे गए हैं जो कि फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, और इसके अतिरिक्त 110 लड़ाकू जहाजों का अलग टेंडर और जारी कर दिया गया है जो भारत की मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाए जाएंगे। मतलब ये कि अब 126 के बदले कुल 146 लड़ाकू जहाज भारतीय वायुसेना ने खरीदे, और CAG की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया है कि 36 जेट्स पहले की तुलना में कम समय में भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। क्या होता है ऑफसेट? जब हम ऑफसेट बोलते हैं तो ऑफसेट ऑब्लिगेशन शब्द छोड़ देते हैं, पूरा शब्द है ऑफसेट ऑब्लिगेशन। यहाँ पर एकदम साफ होना चाहिए कि 59,000 करोड़ की राफेल डील में 50% ऑफसेट का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि 59,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ वापस आ जाएगा। दरअसल ऑफसेट का अर्थ ये है कि फ्रांस भारत की कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगा, वो भी अगले 5 से 10 सालों में। ऐसा 100 से ज़्यादा अलग अलग ज्वाइंट कंपनियां बनाई जाएंगी। UPA की MMRCA में सिर्फ 30% ऑफसेट का प्रावधान था, अभी NDA की राफेल डील में 50% का ऑफसेट ऑब्लिगेशन हो रहा है। क्यों जरूरी होता है मेंटेनेंस? करोड़ों रुपए का फाइटर जेट क्रैश कर सकता है, अगर एक छोटे से छोटा पार्ट भी खराब हो तो। NDA सरकार ने जो राफेल डील साइन की है उसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन भी रखा गया है।
अतिरिक्त स्पेयर पार्ट खरीदे गए जो कि फ्रांस को भारत में ही राफेल के स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराने होंगे। इसके लिए 1.8 बिलियन यूरो की अतिरिक्त रकम खर्च की गई। क्या है ऑफसेट और एचएएल तथा रिलायंस का विवाद? फ्रांस जो ऑफसेट ऑब्लिगेशन के वादे के अनुरूप 30,000 करोड़ रुपए भारत की 100 अलग अलग कंपनियों के साथ इन्वेस्ट करेगा, रिलायंस डसॉल्ट का वेंचर भी उनमें से एक है। इस वेंचर के हिस्से में 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें रिलायंस के हिस्से का इन्वेस्टमेंट मात्र 426 करोड़ रुपए है, न कि पूरा का पूरा 30,000 करोड़। इसके अलावा पुराने एग्रीमेंट के अनुसार फ्रांस की कंपनी भारत में किसी भी कंपनी के साथ ऑफसेट साझा करने के लिए स्वतंत्र है और इन 100 वेंचरों में से फिलहाल कोई भी राफेल के पार्ट्स नहीं बनाएगा, जबकि एचएएल ने कहा था कि ऑफसेट में डील नहीं करता। राफेल डील पर क्या रहा सुप्रीम कोर्ट और सीएजे का रुख? दरअसल राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सारे दस्तावेज देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि राफेल की डील खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील के दामों और उनकी टेक्निकल बातों पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। बाद में सीएजी की रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें राफेल डील को क्लीन चिट मिली और यह साफ हो गया कि एनडीए सरकार की राफेल डील यूपीए सरकार की एमएमआरसीए डील से सस्ती और बेहतर है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं को भी रद्द कर दिया और 2018 का जजमेंट मान्य रखते हुए मोदी सरकार को राफेल डील में क्लीन चिट दे दी। अच्छा, क्या है एमएमआरसीए डील का इतिहास? करगिल युद्ध का अनुभव देते हुए भारतीय वायुसेना ने 2001 में तत्काल एनडीए सरकार के समक्ष पुराने MiG-21 जहाजों को बदल करने के लिए 126 नए लड़ाकू जहाजों की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा था, जिस पर चर्चा की गई। 2004 में एनडीए की सरकार ने आरएफआई जारी कर दी। 2004 में सरकार बदलने के बाद 2007 में आरएफपी जारी की गई। टेक्निकल डिस्कशन चालू है और 2010 तक चले। 2011 में राफेल को सेलेक्ट कर लिया गया, टेंडर जारी हुआ और 2012 में राफेल लोवेस्ट बिडर के रूप में सेलेक्ट हुआ। तो क्यों नहीं हो पाई 126 लड़ाकू जहाजों की एमएमआरसीए डील? 2004 से 2012 तक 126 राफेल लड़ाकू जहाजों की अनुमानित कीमत $20 बिलियन से $25 बिलियन हो गई थी। सबसे प्रमुख बात यह कि डसॉल्ट कंपनी जो राफेल बनाती है उसने क्वालिटी की गारंटी के चलते एचएएल के साथ मिलकर जहाज निर्मित करने से मना कर दिया था। 2014 तक तो आते आते तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने मीडिया के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बोल दिया था कि यूपीए सरकार के पास भारतीय वायुसेना के लिए 126 राफेल जहाज खरीदने के पैसे नहीं है। कुल मिलाकर 10 सालों में न तो दाम तय हो पाए थे और न ही टर्म्स एंड कंडीशंस। ये थी राफेल से जुड़ी पूरी जानकारी। आप ऐसी ही जानकारी की वीडियोस देखने के लिए द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिए। धन्यवाद।